जय श्री माता जी। हम सब जा रहे हैं आज के दिन, आज 14 तारीख है, एक सेमिनार रखा हुआ है श्री माता जी ने रामनगर से कोई 6-7 किलोमीटर आगे रिमोट एरिया में कियारी गांव में। बहुत सुंदर जगह है जैसा कि दिख ही रहा है, इतनी अच्छी सड़कें। हर साल श्री माता जी नए नए स्थान पर कार्यक्रम रखती हैं ताकि उस स्थान को एनर्जाइज किया जा सके, वहाँ चैतन्य बहाया जा सके और उस स्थान के लोगों को आत्म साक्षात्कार दिया जा सके। हमारे भ्राता श्री जगपाल जी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तरांचल हैं, वो ऐसी अच्छी अच्छी जगह चुनते हैं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, 1-1.5 महीने पहले कार्यक्रम का आयोजन स्थल पर अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, तब जाकर 3-4 दिन का सेमिनार हो पाता है। इतनी सुंदर जगह है ये कियारी, कियारी गांव। स्वागतम। कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र। बहुत सुंदर वातावरण है, आनंद आए। दो चार डिग्री टेम्परेचर तो कम होगा यहाँ निश्चित रूप से बाकी स्थानों के तुलना में। देवदार फैमिली के बड़े बड़े वृक्ष, चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट। इसके बीच में होगी हमारी कैंपिंग। जहाँ तक गूगल अर्थ पे देखा था, बीच में काफ़ी बड़ा एक मैदान हो सकता है उसके मुताबिक, जहाँ पे हमारी कैंप साइट होगी। अभी तो अप्रोच है, कैंपिंग के लिए रिमोट एरिया ही सबसे सुंदर होता है क्योंकि बेकार का डिस्टरबेंस वहाँ नहीं होता। ध्यान के लिए एकांत वातावरण चाहिए, शहर के हो हल्ले से दूर तो यहाँ उपलब्ध है। ऐसा लगता है कि बहुत आनंद आने वाला है। कियारी 5 किलोमीटर, शायद रामनगर से 7 किलोमीटर करीब था, इसमें 2 किलोमीटर कवर हो गए हैं। सड़कें ही मजेदार हैं, इन सड़कों पे रोलर कोस्टर जैसा आनंद आ रहा है। क्योंकि कई जगह जगह डिप्रेशन बनाए हुए हैं बरसात के पानी को निकालने के लिए सड़क पे। पीस तो होनी चाहिए ना, पर समय कुछ बजता नहीं रहना चाहिए, मेडिटेशन का माहौल ही नहीं होता। वरना ऐसा लगता है कि जैसे वो रामायण पाठ होने वाला हो और कुछ ना कुछ बज रहा है। वेरी ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर।
small road. One has to slow down. Blocked. Have to bypass. टेम्परेचर डाउन हुआ है, अब एसी बहुत ज़्यादा चिलिंग कर रहा है. जिम कॉर्बेट वाले हैं ये सारे, जिम कॉर्बेट जा रहे हैं. जिम कॉर्बेट यहाँ से काफ़ी पास है, शायद 10-15 किलोमीटर होगा. Ice road. Car is walking on this road. लगता है कैंप साइट नज़दीक है. बैनर लगा हुआ है, ये शिमाता जी वेलकम कर रही हैं सभी का. लगता है एरिया बह गया रोड पानी से. Campsite has come. यहाँ पे लगता है आम के पेड़ होंगे, इसीलिए कियारी के नाम. एक गांव का नाम है कियारी. It's a small route, very narrow road. Might be mist in the mist of village. Camp has come. We have arrived the campsite. Lots of buses, cars are there. Kidhar se nikla? घास में से निकालना होगा. ब्यूटीफुल कैंप साइट.
थोड़ी देर में हवन शुरू होने जा रहा है। सारे सहजी दूर दूर से आए हैं, उम्मीद है लगभग 4000 लोग एकोमोडेट हो जाएंगे यहाँ पर। जल्द से जल्द पहुँचिए। ये डायरेक्ट हवन नहीं आएगा, कपड़ा चेंज करेंगे? नहीं, अभी तो मैं वैसे ही टॉयलेट पर पीछे से पूरे पूरे फील्ड हैं। अगर भीड़ भरती है तो इधर भी शायद टेंट लगाया जा सकता है। ये हम पहुंच रहे हैं मेडिटेशन हॉल की तरफ। ये रजिस्ट्रेशन एरिया, कई जगह आ करके 20 रुपये बन जाता है। ये है मेन पंडाल, लगभग 4 से 5 हज़ार की कैपेसिटी का हॉल। हवन की तैयारी शुरू हो रही है। तैयारी चल रही है। बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्मी है। सारे सहजी पसीने पसीने हो रहे हैं। अभी हवन शुरू होगा, सब भूल जाएंगे गर्मी। तुम्हारे पास नहीं है तुम्हारे लिए?
Love.
Namah.
Oh.
समस्त अगुरु एवं समस्त कुगुरु स्वाहा।
आतंकवाद स्वाहा, कट्टरवाद स्वाहा, मऊवाद स्वाहा, समस्त तानाशाह स्वाहा। अभोजिता पर आक्रमण करने वाली नकारात्मकता स्वाहा, नकारात्मकता पर स्वाहा, अस्त्र शस्त्र एवं गोली बारूद के व्यापारी स्वाहा, देश के की एकता के विरुद्ध सभी तत्व स्वाहा, भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट नेता स्वाहा, भ्रष्ट शासक एवं भ्रष्ट अधिकारी स्वाहा, विश्व के सभी सहयोगियों की समस्त बाधाएं स्वाहा, सहयोग के प्रचार प्रसार में आने वाली तमाम बाधाएं स्वाहा, जहां पर सेमिनार हो रहा है क्यारी में, क्यारी क्षेत्र की समस्त बाधाएं स्वाहा, सहयोगियों में ईर्ष्या, सूझबूझ एवं निश्चय का अभाव स्वाहा, इवन ऑफ करप्शन इन इंडिया स्वाहा, नशे के व्यापारी स्वाहा, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व स्वाहा, नारी उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न एवं नारी शक्ति के सम्मान में आने वाली समस्त बाधाएं स्वाहा, भारत की अखंडता एवं आपसी मैत्री में आने वाली समस्त बाधाएं स्वाहा, आत्म साक्षात्कार देने में और लेने में आने वाली तमाम बाधाएं स्वाहा, सर्व बाधा स्वाहा। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत बाधा है उसको चित्त में लेके उससे पहले एक और बाधा का स्वागत करेंगे। सहयोग के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको पूर्ण करने में आने वाली तमाम बाधाएं स्वाहा, पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्यते ओम।